राम जानकी मंदिर परिसर कैंप एक में वार्ड की पार्षद द्वारा प्रगति नगर में प्रतियोगिता नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घर से बाहर निकालकर मनोरंजन करना था। ये प्रतियोगिता जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आयोजित की गई थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर अब भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने प्रगति नगर में प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन कराया। यह कार्यक्रम पूर्णतः महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि महिलाएं अपने फुर्सत के पल निकालकर घर से बाहर निकलें और मनोरंजन की दुनिया में खो जाएं। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़, रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता एवं इसके साथ अन्य प्रतियोगिताएँ भी कराई गई, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मनोरंजन के दरिया में गोते लगाते नजर आईं। इस आयोजन में सभी प्रतियोगिताओं के लिए निर्णायक मंडल भी उपस्थित था, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ सभी प्रतियोगिताओं में विजेता और उपविजेता की घोषणा करी। कार्यक्रम की जानकारी जहां वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने दी, वहीं निर्णायक मंडल ने भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन होते रहने की बातें कही हैं। कृष्ण जी का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हमने प्रोग्राम रखा है और सभी महिलाओं को इन्वाइट किया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने 15 गेम रखा हुआ है, तो सभी महिलाएं बड़े ही उत्साह से बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ली हैं। कुर्सी दौड़ है, जैसे कंची चम्मच में रख करके चलना, और झुमका मतलब गजरा, कंगना, ऐसे बहुत सारे प्रतियोगिता हम लोगों ने रखी हुई है यहाँ पे। तो सभी महिलाओं ने भाग लिया हुआ है इसमें, और भाग लेना और इस मंच तक पहुँचना, घर से निकल करके मंच मिलता है जो महिलाओं को, उसमें जो उनका उत्साह दिखता है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक महिला के द्वारा महिलाओं को प्रोग्राम करवाया जाए और इसमें इंजॉय किया जाए और मजे मस्ती थोड़े से हो भी हो जाएं जी। तो उन्हें भी बोला गया है कि आप लोग थोड़ा सा मतलब कृष्ण जी की छवि में आए और राधा जी की छवि में आए, तो उनके लिए भी पुरस्कार रखा गया है। जो बच्चा सबसे ज़्यादा क्यूट दिखेगा उसमें, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। और क्या है, राधा के रूप में और कृष्ण जी के रूप में तो सारे बच्चे ही क्यूट दिखने वाले हैं, तो उनके लिए भी पुरस्कार वगैरह रखा गया है यहाँ पे। और बच्चे बड़े ही खूबसूरत तैयार होकर के आए हैं और बहुत ही सुंदर दिख भी रहे हैं। और महिलाएं जिस हिसाब से यहाँ पे आई हैं और भाग ले रही हैं, यह देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और महिलाएँ भी काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं भैया इस चीज़ को लेकर के। तो मेरा तो यही मानना है कि हमेशा ये प्रोग्राम होते रहना चाहिए इसी तरह, और सभी महिलाएं बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। थैंक यू। हाँ, हमारी यशस्वी सत्या देवी जी जो पार्षद हैं, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम करवा रही हैं, क्योंकि वो महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक है और सभी महिलाओं को साथ लेकर वो बहुत सभी कार्यक्रमों में भाग लेती हैं और महिलाओं को इकट्ठा करके उनको प्रतियोगिता में भाग लिवा रही हैं। इस प्रकार से महिलाएं बहुत उत्साहित भी हैं, उत्साहित होके जो महिलाएं घर के काम से अपना समय निकाल के और सभी एक्टिविटी में भाग ले रही हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये होना भी चाहिए। उन्होंने ये बहुत अच्छा आयोजन किया हुआ और वो महिलाओं के प्रति बहुत आगे, महिलाओं को हर चीज़ में आगे रखने के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं, इसलिए उन्होंने सब ये प्रतियोगिता रखाई ताकि महिलाएं अपना बिजी शेड्यूल निकाल के कुछ समय अपने लिए जिए, अपने लिए प्रतियोगिता, खेल कूद, बचपन के दिन याद करें, ये सब उन्होंने आयोजन किया है। तो ये बहुत उत्साहवर्धक है और आगे भी वो इसी प्रकार का हम आशा करते कि प्रोग्राम करते रहेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग इतने उत्साहित लग रहे हैं और बहुत अच्छा एंजॉय कर रही हूँ मैं, इसको एंजॉय कर रही हूँ देखकर। अपने बारे में बताइए, क्या आपको कुछ याद आ रहा है, कभी आपने भी ऐसी प्रतियोगिता में? मैं भी बहुत रही हूँ, मैं नव भारत में बहुत प्रतियोगिता में जीती हूँ, मैं सुरुचि क्लब में बहुत सब चीज़ में रहती थी, मैं सुरुचि क्लब में आगे रहती थी, कई जगह हमको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, मेरे को उसमें भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आज की महिला आज बहुत ऊँची उठ गई हैं, यानी कि मतलब अब घरेलू टाइप की नहीं लड़कियाँ सब रही हैं, सब आगे पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ पढ़ रही हैं, सब कुछ। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल लगातार प्रयत्न करती हैं कि क्षेत्र और वार्ड की महिलाओं के मनोरंजन के लिए अलग अलग प्रकार के नए नए आयोजन किए जाएं, जिसमें काफी हद तक वे सफल होती भी नजर आती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।